चंद्रशेखर जी पक्ष और विपक्ष नहीं बल्कि निष्पक्ष थे। बलिया से खबर है। चंद्रशेखर जी विश्व के नेताओं में शुमार थे। जब वह संसद में बोलते थे तो अटल जी कहा करते थे कि चंद्रशेखर जी पक्ष और विपक्ष में नहीं बल्कि निष्पक्ष हैं। जब भी कभी राजनीति की बात आती है तो लोग बरबसी चंद्रशेखर जी को याद करते हैं। ये बातें मनियर इंटर कॉलेज के प्रबंधक, टाउन पॉलिटेक्निक कॉलेज बलिया के चेयरमैन व चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्री काल के तत्कालीन और प्रतिनिधि कमलेश कुमार सिंह ने चंद्रशेखर की 14वीं पुण्यतिथि पर उन्हें मनियर इंटर कॉलेज में हॉल में श्रद्धांजलि देते हुए बृहस्पतिवार को कहा। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी देश के रहनुमा थे। वह मनियर इंटर कॉलेज के प्रांगण में 200 बार आए हैं। जब भी यहां के लोग उन्हें याद करते थे तो वो उपस्थित हो जाते थे। मनियर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रामेश्वर सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर जी सेल्फ मेड नेता थे। उनका जीवन संघर्षों से भरा था। स्वाभिमान उनमें कूट कूट कर भरा था। श्रद्धांजलि देने वालों में प्रमुख रूप से पवन कुमार चौबे, मदन सिंह, प्रधान प्रतिनिधि भेखरिया अजय सिंह उर्फ टुनटुन सिंह, पूर्व प्रधान शुभ नारायण सिंह, सपा नेता अजय सिंह, हरेंद्र कुमार सिंह, हरे राम सिंह, नागेंद्र कुमार कनौजिया, वशिष्ठ मुनि उपाध्याय, संजीव कुमार शुक्ला, चंद्र प्रकाश राय, पवन कुमार सिंह, विजय कुमार सिंह, राकेश कुमार श्रीवास्तव, जगमोहन वर्मा, सुजीत पाठक, धनंजय तिवारी, अभय कुमार, संजय कुमार, नसीम, क्षेत्र पंचायत सदस्य फतेह बहादुर सिंह, विनोद कुमार सिंह सहित इत्यादि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रवक्ता हरेंद्र कुमार सिंह ने किया। इंडिया समाचार के लिए ये थी हमारे संवाददाता आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ बलिया की खास रिपोर्ट। आज हम लोग देश के नौजवान देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के 14वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। सौभाग्य है कि कम से कम मुझे याद है चंद्रशेखर जी 200 बार इस कॉलेज के प्रांगण में 200 बार आए हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए भी इस मंदिर कॉलेज के प्रांगण में आए, सभा में बोले और हमारे पिताजी का भी मूर्ति का कल्याण किए, कई कार्यक्रम किए। जब भी इस इलाके के लोग याद करते थे बलिया के, सिकंदरपुर के, मनियर के, तो वह निश्चित रूप से उपस्थित हो जाते थे। आज हमारे प्रधानाचार्य जी, हरे राम सिंह जी, हरिंदर जी, ये जो लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आज वर्तमान परिस्थिति में जो देश की स्थिति है, आर्थिक, राजनीतिक, उसमें लोकसभा में जब चर्चा चलती है तो चंद्रशेखर जी की भी कहीं कहीं से चर्चा चलती है और याद करते हैं लोग। आज चंद्रशेखर जी रहते तो लोकसभा में जो अटल जी बोलते थे कि चंद्रशेखर जी न पक्ष है न विपक्ष है, ये है निष्पक्ष है। तो आज संसद में रहते तो निष्पक्ष होकर दल पार्टी से हटकर ऊपर वो बातों को देश के बारे में, मौलिक मुद्दों के बारे में, देश के समस्याओं के बारे में, किसान समस्याओं के बारे में वो चर्चा करते, गंभीर चर्चा होती। आज वो चीज़ें हमें खल रही है, याद आ रही है। आज चंद्रशेखर जी को हम लोग उनकी पुण्यतिथि पर नमन करते हैं और एक लंबी इतिहास है, सब आप लोग जानते हैं, जो हमारे वक्ताओं ने कहा। मैं समझता हूँ कि हम उनकी बताए हुए रास्ते से ही चले, उनके विचार को ही हम आगे बढ़ाएं, यही हम लोगों का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ सुना मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और सारे आए हुए लोगों को मैं